टेक फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल बटन दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेक फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो हम लेने वो जूक Z1 का बुटलोडर अनलॉक करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें TWR पे रिकवरी फ्लैश करने वाले हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले आपके फ़ोन का जो सो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो सो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको फ़ोन के यहाँ पर आना है, इसके ये देखिए अबाउट फ़ोन पर आना है और इसका डेवलपर मोड आपको ओपन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो सो बिल्ट नंबर आपको मिलेगा, जो ये देखिए बिल्ट नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यस डेवलपर सेटिंग एंड यू हैव इनेबल डेवलपर सेटिंग, जब आ जाए तो फिर से बैक जाइए एंड देन आपको एक नीचे मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन पर आने के बाद में एडवांस रिबूट आप ओपन कर दीजिए एंड देन आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको करना क्या, OEM अनलॉक जैसे कि ओपन है, ये आपको ओपन ही कर देना है, ठीक है, इनेबल कर देना है और साथ ही साथ एंड्रॉयड डिबगिंग को ऑन कर देना है। तो ओके, ये एंड्रॉयड डिबगिंग ऑन हो गया। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इससे जो सो यहाँ पे कर देना है क्लोज, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, ठीक है। तो चलिए अब बाकी काम जो सो हमारा कंप्यूटर पे भी है। तो यहाँ से मैं आपको लेके पहले तो इसे मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ अपने कंप्यूटर से। जो आपको केबल मिला होगा USB टाइप सी, उस केबल से इसे कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसे कनेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक। और अब जो सो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर पे। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको चाहिए TWR पे रिकवरी डालने के लिए आपको ये फाइल चाहिए और इसका बुटलोडर अनलॉक करने के लिए आपको ये चाहिए। तो ये दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमको जिप फाइल मिलेगा, जो फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको जैसे कंप्यूटर से आपको कनेक्ट कर लेना अपने फ़ोन को, ठीक। और जब आपको कनेक्ट हो जाए यहाँ पे तो देख सकते हैं USB डिबगिंग कनेक्टेड, ठीक है, ओके। तो चलते हैं यहाँ से हम। सबसे पहले तो आपको जैसे यहाँ पे एक और फाइल मिलेगा ड्राइवर का, तो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये टूल किट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक exe फाइल, ये देखिए 0.09 exe, तो इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको जैसे फ़ोन को अपने बुटलोडर मोड में ओपन करना है। तो इसके लिए आपको जैसे पावर बटन को कुछ देर तक दबा के रखना है, जैसे कि ये देखिए पावर, रिबूट पे जाइएगा। रिबूट पे जाने के बाद में आपको बुटलोडर का ओपन आएगा, ठीक है, और इसके बाद में ओके कर दीजिए। तो ये देखिए साइनोजन मोड फास्ट बूट मोड में आ चुका है, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सो वेरीफाई कर लेते हैं डिवाइस रिकॉग्नाइज हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए जो समय टू टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, टू दबा ले रहे हैं, टाइप कर दे रहे हैं टू एंड एंटर। तो ये देखिए फास्ट बूट मोड में आ चुका है, ठीक है। तो ओके ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना, अनलॉक बुटलोडर डू नॉट रन इफ़ डिवाइस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो हमारा डिवाइस जो है रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, तो यहाँ पे हमें अनलॉक करना है, इसके लिए थ्री दबाना है। तो थ्री दबाइए एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो ये देखिए इफ़ यू, ठीक है, प्रेस एनी की कंटिन्यू, ठीक। और इरेजिंग यूजर डेटा, तो ये जो यूजर डेटा को इरेज कर दिया, फिनिश, ओके, प्रेस कंटिन्यू टू, ठीक है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, हमारा फ़ोन जो देख सकते हैं आप रिबूट हो चुका है, मतलब कि बुटलोडर अनलॉक्ड हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सो आपको यूजर डेटा को बिल्कुल इरेज कर देगा और इरेज करने के बाद में ये जो सो क्या करेगा, फिर से फ़ोन जो सो थोड़ा सा रीस्टार्ट होगा, वो भी टाइम लेगा। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, आराम से बैठना है, पेशेंस के साथ में ये थोड़ा सा टाइम लेगा ही लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ़ोन मेरा अभी रिबूट हो रहा है। तो इस आपको जो है यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, वेट करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये जो जिस तरीके से फर्स्ट बूटअप होता है उसी तरीके से फर्स्ट बूटअप होगा और आपके फ़ोन का जैसे बूटलोडर अनलॉक्ड आपको मिलेगा।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी कंप्यूटर से वेट कर ले रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको इसका जो ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे दे रखा है फ्लैश रिकवरी टी डब्ल्यू आर रिकवरी फास्ट बूट मोड, बट मैं ये प्रेफर नहीं करता, मैं आपको प्रेफर नहीं करवाऊँगा ये चीज़। इसके लिए जो सो आपको प्रेफरेबल जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको यूज़ करना है। इसके लिए आपको पैक जाइए और ज्यूक जेड वन का टी डब्ल्यू आर पे जो रिकवरी मिला था आपको ये ओपन कर लेना है। और ओके सो हमारा फ़ोन बूटअप होता है, बूटअप होने के बाद में हम इसे फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर पे जो सो हमें यहाँ पे जो मैं आपको फाइल दिखाया था ये देखिए टी डब्ल्यू आर 3.0.2 है जेड वन के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको डॉट बैट जो फाइल मिलेगा यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये हो गया जस्ट हमारा फ़ोन में टी डब्ल्यू आर पे रिकवरी डल गया। और ओके सो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ और ये देखिए नेवर शो कर दीजिए और इसको स्वैप टू मॉडिफाई, यस। सो हमारे पास में आ चुका है, अब जो सो रिकवरी मोड आ चुका है। और सबसे पहले रिकवरी मोड आने के बाद में आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन का जो है बैकअप ले लीजिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, सबसे पहले बैकअप ले ले रहा हूँ। सबको आई मीन सेलेक्ट कर लीजिए, स्टोरेज अभी इंटरनल मेमोरी ही है। सो यहाँ पे मैं जो है यू एस बी ओ टी जी का मेथड यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि ओ टी जी में अगर मेरा बैकअप रहेगा तो मुझे अच्छा होगा, ठीक है। सो तो यहाँ पे हमें जैसे कम से कम 761 ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ओटीजी, इसके लिए दोस्तों ये जो सपोर्ट करता है ओटीजी आपको जो सो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कौन सा ओटीजी सपोर्ट करेगा ये और कौन सा आपको यूजेबल है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। बहुत ही लो प्राइस का है जो कि मैं मंगवाया हुआ हूँ। तो ये देखिए ये जो ओ टी जी से बिल्कुल आपको मिल जाएगा, करीब 100 रुपये का मिलता है अमेजोन पे, और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में ढूंढो तो काफ़ी कम रेट पे मिल जाएगा। तो मैं इसे यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट स्टोरेज एंड यू एस बी ओ टी जी, ओके सो ओके, ठीक है। तो फिलहाल ये इसके लिए जो हमें रिबूट टू रिकवरी मोड फिर से करना होगा, आई थिंक सुपर एसो डू नॉट इंस्टॉल। अगर आपको सुपर एसो इंस्टॉल करना है तो आप फ्लैश कीजिए, बल्कि ये इंस्टॉल ना कीजिए, तो मैं यही आपको प्रेफर करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसे फिर से एक बार रिकवरी मोड में ओपन कर ले रहा हूँ फ़ोन को, और शायद उसके बाद जो सो ये ओ टी जी डिटेक्ट कर ले, क्योंकि मे भी हो सकता है कभी कभी ये डिटेक्ट नहीं करता है। तो स्टोरेज ओके, ओके सो इसको छोड़िए, कोई नहीं, मैं इसे इंटरनल स्टोरेज में ही बैकअप ले ले रहा हूँ, बाद में इसे मैं वहाँ से स्वैप कर लूँगा अपना, ये कॉपी कर लूँगा, सॉरी। तो यहाँ से मैं स्टोरेज ओके एंड बैकअप, ठीक है। तो ये बैकअप लेने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 GB का बैकअप है आपको, 2 GB का बैकअप लेने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बस आपको उतना वेट करना है, क्योंकि अगर आपके पास में ओरिजिनल फाइल होगा हमेशा तो कभी भी आप इसे रिस्टोर कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको मैं प्रेफर करवाऊँगा कि आप इसका बैकअप ले करके रहिए, ठीक है। तो दोस्तों बस थोड़ा सा मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे जो बैकअप ले रहा है, उसके बाद में हमारा फ़ोन रिबूट होगा और साथ ही साथ हमारे पास में टी डब्ल्यू आर पे रिकवरी होगा और फिर से हम इसे रिबूट करके यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेंगे सुपर एस सी ओ। तो दोस्तों बस थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं यहाँ पे। ओके तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है बैकअप हो चुका है, अब देख सकते हैं ये पूरा टोटल बैकअप हो गया। तो इसके बाद कुछ नहीं करते हम, सीधा डायरेक्टली रिबूट सिस्टम कर ले रहे हैं बस, और फिर से डू नॉट इंस्टॉल, ओके। तो दोस्तों मैं आपको इस बीच में बताना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी सारे आने वाले हैं, वो जैसे ज्यूक जेड वन से रिलेटेड आने वाले हैं, कई सारे रोम्स को हम चेकआउट करने वाले हैं, इसमें ऊपर जो सो इसके ऊपर आपको रिव्यू देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास में ज्यूक जेड वन है और आप चाहते हो कि इसके ऊपर आप रिव्यू देखना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको बेटर रहेगा, कभी भी आपको मिल जाएगा सबसे पहले वीडियोज, ठीक है। और यहाँ पर मैं बूटअप कर लिया हूँ और फिर से मैं ओ टी जी एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि मेरा ओ टी जी वर्किंग है या फिर नहीं, ओके ओके
स्टोरेज, यस हो गए। तो यहाँ पे वो स्टोरेज में हमारा OTG से वर्किंग है, दिखा रहा है। और आई डोंट थिंक ये रिकवरी मोड में क्यों नहीं शो हो रहा है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और जी हाँ, अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के फर्दर वीडियो के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।